हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फैक्ट्स में। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इन्हीं में से एक है आकाश का रंग, जो कई सदियों से नीला ही दिखाई देता आ रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि आसमान का रंग हमेशा नीला ही क्यों होता है? पहले विज्ञान इतना विकसित नहीं था, इसीलिए पहले के जमाने के लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन आज विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है, हम इस विषय को विज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं विज्ञान इस विषय के बारे में क्या कहता है। पृथ्वी का वायुमंडल अलग अलग गैसों से मिलकर बना होता है। इन गैसों के अलावा वायुमंडल में धूल के कण और अन्य सूक्ष्म पदार्थ भी शामिल होते हैं। विज्ञान के मुताबिक आसमान का रंग नीला दिखाई देने के पीछे सूर्य की किरणों का अहम योगदान होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो वायुमंडल में मौजूद कणों से टकराता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना होता है, जो वैसे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर सूरज की रोशनी को एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाए तो इन्हें देखा जा सकता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी कण से टकराता है तो कुछ प्रकाश तो कण के आर पार हो जाता है और कुछ उस कण के द्वारा बिखेर दिया जाता है। बिखरने वाले रंगों में बैंगनी, आसमानी और नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरते हैं, क्योंकि इन रंगों की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, जबकि हरा, पीला, नारंगी और लाल सबसे कम बिखरते हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। इसीलिए सूर्य का लाल रंग बिना बिखरे पृथ्वी तक पहुंच जाता है, लेकिन नीला रंग वायुमंडल में मौजूद गैसों के अणु, धूल, कण आदि द्वारा बिखेर दिया जाता है और बहुत देर तक वायुमंडल में बना रहता है। इसी बिखरे नीले रंग के कारण हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये सब सूर्य के प्रकाश की किरणों के कारण होता है। इस प्रकाश में सात रंग होते हैं, जिनमें नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होने के कारण ये वायुमंडल में मौजूद कणों द्वारा बिखेर दिया जाता है। आसमान में नीले रंग के सबसे ज्यादा बिखरने के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है। वास्तव में आकाश का कोई रंग नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश के कारण ही हमें नीला दिखाई देता है। यदि इसे अंतरिक्ष से देखा जाए तो ये एकदम काला दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही नए फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जुड़े रहें लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फैक्ट्स के साथ।